गुड मॉर्निंग जय सुजोहर नमस्कार सत श्री अकाल आदाब और मैं हूं आपकी प्यारी सेवा। और फिलहाल मैं हूं किचन पर, तो मैं दिखा रही हूं आज संडे है और आज क्या क्या अभी ब्रेकफास्ट है बन रहा है उसमें दिखा रही हूं। आप लोग वैसे बने रहिए दोस्तों। संडे है तो आज पूरी बना है हम लोगों के घर में ब्रेकफास्ट के लिए। ये स्टाइल वाला है देखिए, हाफ सर्कल, सब हाफ सर्कल पूरियाँ बना है। आई थिंक सभी हाफ सर्कल है क्या, या फुल भी है? नहीं नहीं, ये फुल सर्कल मून, यहाँ पे मून है, यहाँ पे हाफ मून है। पूरियाँ बन चुका है देखिए दोस्तों, संडे फंडे पूरियाँ। और इसको से रख दिए हैं ताकि वो तेल थोड़ा जो है, ये सब तेल सबको ये सब पी लेगा पेपर। और यहाँ पे राजमा बन रहा है दोस्तों, पूरी के साथ में सुबह राजमा खाना होगा। और यहाँ पे चूहा आ गया है, चूहा चर्च जाएगा। हाय बोलो। हाय। और चूहा भी जाएगा चर्च, संडे है। और मैं बनाऊंगी थोड़ा सा काम अपना, मशरूम बनाएंगे आज हम लोग। यहाँ पे बॉल किया गया था राजमा को, तो बर्तन धोना है मेरे को। चूहा का ब्रेकफास्ट लड्डू पूरी और ये है राजमा। और चूहा मोबाइल देख देख के खा रहा है। आज संडे है इसलिए आज हम लोग लंच पे बनाएंगे मशरूम। और ये क्या मशरूम है आप लोगों को पता है, कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ मशरूम को। मशरूम को साफ कर दी हूँ दोस्तों, ये सब था वो सबको निकाल दी हूँ, नीचे हिस्सा है सब। और अभी इसको छोटा छोटा काट दूँगी, इसको काट के छोटा छोटा कर दी। अभी इसको एक बार धोऊँगी नॉर्मल पानी में, उसका और एक बार हल्दी पानी में डुबा के रखूँगी। एक बार धो दी दोस्तों पानी में इसको, अभी और पानी दे के इसमें हल्दी थोड़ा सा दे दूँगी। पानी दे दी हूँ मशरूम में और अभी थोड़ा सा हल्दी दे देंगे और इसको अच्छा से डुबा के रखेंगे थोड़ा देर। उसके बाद हम लोग मशरूम को पकाएंगे। इसको थोड़ा देर 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे दोस्तों। मशरूम आज मैं इसमें बनाऊंगी। और यहाँ पर हम लोग का पिसा हुआ मसाला है, सरसों का तेल और प्याज 2 ठू और 3 मिर्ची ले ली हूँ। हम लोग का गरम हो गया है, अभी हम लोग इसमें तेल दे देंगे। सरसों का तेल दे दी हूँ, गरम हो जाएगा थोड़ा देर के बाद। तेल गरम हो गया है, अभी इसमें प्याज और मिर्ची देंगे हम लोग। प्याज और मिर्ची दे दिए हैं, अच्छा से मिक्स कर देंगे। अभी हम लोग पिसा हुआ जो मसाला रखे हैं घर में इसको दे देंगे दोस्तों, घर का पिसा हुआ मसाला। अभी इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। मसाला थोड़ा हो गया है, अभी हम लोग 2 कटा हुआ टमाटर दे दे रहे हैं। मसाला हो गया थोड़ा सा, अभी इसमें नमक और हल्दी दे देंगे दोस्तों। नमक और थोड़ा सा हल्दी भूनेंगे ना मसाला भी इसी के लिए, और थोड़ा सा हल्दी दे देंगे। हो गया, अभी अच्छा से इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा आलू काट के रखे हैं। और ये पानी, हल्दी पानी से निकाल दी हूँ मशरूम को, मैं यहाँ पे रख दी हूँ निकाल के। मसाला कितना सुंदर दिख रहा है देखिए दोस्तों, घर का मसाला दिया गया है, प्याज मिर्ची टमाटर हल्दी नमक, मसाला
कितना सुंदर दिख रहा है। हम लोग का मसाला तैयार हो गया दोस्तों। अभी हम लोग इसमें पहले दे देंगे कटा हुआ आलू। आलू दे दी और अच्छा से भून लेंगे। अभी थोड़े छोड़ देंगे। आलू अच्छा से भून गया है मसाला के साथ। अभी हम लोग इसमें देंगे मशरूम। मशरूम दे दी हूँ और अभी अच्छा से मिक्स करेंगे। अच्छा से मिक्स कर दी। अभी इसको ढक्कन लगा दूंगे थोड़ा देर के बाद, फिर देखेंगे। थोड़ा देर हो गया है, देखिए दोस्तों मशरूम से पानी निकल रहा है। कितना अच्छा से मिक्स हो गया मसाला के साथ। अभी इसे पानी दे देंगे और बैठाएंगे। आलू ऑलमोस्ट पक गया है। आपको जितना झोल चाहिए मशरूम आलू का करी पे उतना ही आप पानी दीजिएगा। मैं दे दी और अभी थोड़ा देर इसको छोड़ देती हूँ। देखिए दोस्तों हम लोग का मशरूम सब्जी हो गया। और थोड़ा सा गरम मसाला दे देंगे या मीट मसाला। गरम मसाला ये भी गरम मसाला है, आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं ये पाउच आपको दे देती हूँ। ये रहा गरम मसाला। बहुत सिंपल बनाई हूँ आज तो, ज़्यादा मसाला नहीं दिया गया है। आपको जितना झोल पसंद है आप उसी हिसाब में पानी दीजिएगा और झोल बनाइएगा। धनिया पत्ता को तोड़ लेती हूँ और धो के दे दूँगी। धनिया पत्ता काट ली और दे रही हूँ। हो गया और थोड़ा देर में उतारेंगे हम लोग का मशरूम आलू का सब्जी। फाइनली हम लोग का मशरूम हो गया और मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा सिंपल सा आलू और मशरूम का रेसिपी अच्छा लगे तो आप लोग बनाइए, खाइए और मेरे को बताइए टेस्ट कैसा लगा। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। बाय। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ज़रूर बना के खाइएगा। बाय बाय दोस्तों।